हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हर सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में ना सही तो आपके सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन सक्सेस की आग लगनी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में, और आप सबको और आप सबके परिवार को मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में एक नया तरक्की देने वाला साल हो। ये साल 2019 आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूं। कहते हैं नए साल का पहला दिन यदि खुशियों के साथ शुरू हो, उत्साह के साथ शुरू हो, तो पुरानी मान्यता है कि हमारा पूरा साल बेहतरीन चला जाता है। तो इन्हीं खुशियों के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जुनून के साथ इस नए साल की शुरुआत करते हैं। नए साल में नई उम्मीदें आपके जीवन में आए, नए सपने आप देख पाए, नए आइडियाज आप ले पाए, आपके जीवन में नई खुशियां और नए उत्साह आ पाए, यही मैं ईश्वर से प्रे करता हूं। और आपने पुराने साल में जो भी गलतियां की हैं, आपने पुराने साल में जो भी सक्सेस हासिल की है, उनसे सीख लेकर इस साल को हम अपने जीवन का बेस्ट साल बनाएंगे। मैं आपके लिए 2019 की कुछ 19 सीखें लेकर आया हूं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करने वाली हैं। हर दिन इस वीडियो को देखते रहेंगे तो लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर नया हासिल करेंगे। नया साल एक नया मौका है पुरानी चीजों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ जाने का, जीवन में कुछ नया कर दिखाने का। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आ जाना यह बताता है कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। यदि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और यदि आज सुख है तो कल ज्यादा सुख भी आएगा। नया साल एक चुनौती है जो हमें ललकारती है हर वक्त कि हमें वो हासिल करना है इस साल जो पिछले साल हम हासिल नहीं कर पाए। बेहतर ये है कि नया साल शुरू होने से पहले हम अपनी पुरानी समस्याओं को निपटा लें, नहीं तो नया साल भी पुरानी समस्याओं के साथ ही शुरू होगा। यदि आप अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त नहीं करते पिछले साल के, तो आपके जीवन के नए साल की शुरुआत नहीं हो सकती। पुराने लक्ष्यों को पा लीजिए एक नई उमंग के साथ। आने वाले कल की तरफ कदम बढ़ाओ, बीता हुआ कल खुद ब खुद पीछे छूट जाएगा। नए साल में कुछ भी नहीं बदलने वाला यदि आप अपनी सोच नहीं बदलते। आने वाले साल के 365 दिन महज दिन नहीं हैं, बल्कि नए अवसर हैं अपने साल को बेहतरीन और स्वर्णिम साल बनाने के लिए। साल का बदलना हमारे लिए तभी सार्थक है जब साल के साथ हम अपने आप को भी बदल लें। नए साल का अंत निश्चित है, इसलिए मेहनत करते रहें अपने सपनों को पाने के लिए, पूरी उम्मीद के साथ, पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ें, कहीं नया साल भी हमारे लिए पुराने साल की तरह ना साबित हो जाए। नया साल आने पर सिर्फ तारीख बदलती है, अपना वक्त और अपनी औकात हमें खुद ही बदलना पड़ता है। साल तो ना चाहते हुए भी बदल जाएगा, प्रयास तो यह होना चाहिए कि खुद में बदलाव किया जाए। अच्छी खबर यह है कि नया साल आते ही आपके अनुभव में एक वर्ष का इजाफा हो जाता है। आप अपना लगाव खुद से रखें, नए साल से नहीं। आप हर रोज नया दिन देखेंगे और नया साल पुराने साल की तरह पुराना हो जाएगा। दिन को बेहतरीन बनाइए, पुराने साल के साथ पुराने विचारों को भी चले जाने दीजिए। नया साल में नया कुछ भी नहीं है यदि आप कुछ नया नहीं करते। बदलने वाला साल कभी आपका हाल नहीं बदलेगा, आपका हाल तभी बदलेगा जब आप अपना ख्याल बदलेंगे। पुराना साल एक इतिहास बन चुका है और नया साल इतिहास रचने का एक नया मौका दे रहा है। और एक अंतिम बात,
जीवन में कई नव वर्ष आने वाले हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस नव वर्ष को ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। मर्जी आपकी है। 2019 के 365 दिन आपके पास खुले दिख रहे हैं, एक एक दिन का उपयोग करिए, 365 दिन में नए इतिहास रच दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक ही बात बोलना चाहता हूं, पिछले साल आप सबने बहुत साथ दिया मेरा और इस चैनल का। हम 50,000 सब्सक्राइबर से 4 लाख सब्सक्राइबर में पहुंच चुके हैं और आप सबका साथ रहा तो बहुत जल्द हम देश का नंबर 1 मोटिवेशनल चैनल बनने जा रहे हैं। सौरभ शुक्ला साइनिंग ऑफ।